नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 500 क्वेश्चंस के करीब ख़त्म कर चुके हैं। 500 एक बार क्वेश्चंस हमें देखना है। आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आप लोगों को बता देना है, सॉरी बंदर से। किससे? बंदर से, ठीक है। इसकी खोज, आर एच फैक्टर की खोज बंदर में सबसे पहले की गई थी, इसलिए बंदर से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है? मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो आपको बता देना, हाइपोथैलेमस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चार, क्या है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो आपको बता देना है, मस्तिष्क से। क्या है? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है पांचवा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छठवा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो याद रखना, पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क की कोशिकाएं में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सातवां, रक्त समूह के खोजकर्ता थे? तो याद रखना, लैंड स्टीनर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठ, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? किस रुधिर में, ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना, ब्लड ग्रुप ओ, रक्त समूह ओ में। क्वेश्चन है हमारा नौवा, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं? तो आपको बता देना है, ए बी में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दस, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रुधिर में वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 11, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है? तो आपको बता देना है, अस्थि मज्जा में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो याद रखना, 120 दिन। कितने? 120 दिन। क्वेश्चन है 13, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 14, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो याद रखना, WBC। कौन से? WBC। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 16, उच्च ऊनतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है। क्वेश्चन है 17, क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहलाता है या कब्रिस्तान? तो याद रखना, पीलिया को, स्प्लीन को क्या कहते हैं?
लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कब्रिस्तान। क्वेश्चन है 18, क्या है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो याद रखना, संक्रमण के। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 19, हार्वर्ड का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 20, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे, क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है? स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखना 4। सी ऑप्शन सही है। हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखना है 4। सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, क्वेश्चन है 23, क्या है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है कौन सा? नीली व्हेल। अगला क्वेश्चन है हमारा 24, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखना है चमगादड़ में। किसमें? चमगादड़ में। क्वेश्चन है हमारा 25, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो आपको बता देना है कुत्ता को पालतू बनाया था मनुष्य ने सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन है 26, अंडा देने वाला स्तनधारी है पेलिटिपस। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 27, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो याद रखना हिरण की। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से नियतापी प्राणी कौन सा है? तो याद रखना चमगादड़। क्या है? चमगादड़। क्वेश्चन है हमारा 29, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है कौन सा है? वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, यह कंटक चूहा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? तो याद रखना स्तनी में। क्वेश्चन है 31, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसमें टेपिडम लुसिडम के कारण। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 32, मानव का जैविक नाम है होमोसीपियंस। क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो याद रखना मछली नहीं है, मनुष्य व्हेल है चमगादड़ है लेकिन मछली नहीं है। क्वेश्चन है 34, क्या है 34वां क्वेश्चन? स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय, श्वेत ग्रंथियां, ये सभी। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन। 34वें क्वेश्चन में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 35, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है? तो याद रखना उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है आपका हमिंग बर्ड। डी ऑप्शन सही है 35 का। क्वेश्चन है हमारा 36, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है कौन सा है? ऑस्टिच। सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन है हमारा 37। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया डार्विन ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 38। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? तो याद रखना स्लीडेन एवं स्वान ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 39। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ये थे आपके हार्वे साहब। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो याद रखना हीमोफीलिया बीमारी है आपकी, हीमोफीलिया आनुवंशिक है। क्वेश्चन है हमारा 41। क्या है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो याद रखना टेपिडम टेपिटम लूसीडम के कारण। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42। अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 43। हाइड्रा का पिछला अंग है? तो याद रखना टेंटिकल्स। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 44। पाओकिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है आपके मोर का। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 45। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है कौन सा है? ये है आपका शुतुरमुर्ग। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 46। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होती है? तो याद रखना घड़ियाल में नहीं होती है, मनुष्य में होती है, बैल कुत्ता इन तीनों में होती है, मनुष्य बैल कुत्ता में, लेकिन आपके घड़ियाल में नहीं होती। क्वेश्चन है 48। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो याद रखना पाषाण मछली। क्वेश्चन है हमारा 49। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना सूर्य से। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 50। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? शारीरिकी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 51। खुजली का रोग स्केप बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना कबक। क्या है? कबक। क्वेश्चन है हमारा 52। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो याद रखना कबक से होती है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 53। प्रथम वियुक्त पिति जैविकी कौन सा है? प्रथम वियुक्त पिति जैविकी है आपका पेनिसिलिन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 54। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है शैवाल रोग। क्वेश्चन है हमारा 55। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियन कैम्बियम। क्वेश्चन है 56। व्यापारी कॉर्क प्राप्त होता है, ये होता है आपका कारक कैम्बियम से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 57। क्या है? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये आपका ऑक्सिन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 58। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है,
कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है जैव रेलिन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 59। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकांड्रिया। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 60। दोष युक्त वेग वाले व्यक्तियों के लिए अपवन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित विक्रम है परासरण। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 61। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो याद रखना जीवित प्रतिरक्षियों का। बी ऑप्शन सही है। 61 है हमारा, सॉरी 62। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है, ये आपका एंट अमीबा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो याद रखना नेत्र गोलक के छोटे होने से। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 64। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो याद रखना हरी पत्तेदार सब्जियों में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो याद रखना विटामिन सी की कमी के कारण। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 66। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है, तो यह है आपकी रिबोफ्लेविन। क्वेश्चन है हमारा 67। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन है हमारा 68। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। क्वेश्चन है हमारा 69। जब व्यक्ति कार्य करना बंद करते तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो याद रखना रक्त में नत जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। क्वेश्चन है 70। मानव त्वचा का रंग बनता है, ये बनता है मेलानिन से। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71। यदि माता पिता में से एक का रुधिर ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो याद रखना ए या फिर बी। क्वेश्चन है हमारा 72। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी है, ये है आपका अग्नाशय। क्वेश्चन है हमारा 73। निम्नलिखित में से किस कोशिका में से इंसुलिन स्रावित होता है, ये आपका बीटा कोशिका। क्वेश्चन है हमारा 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो ये आपका इंसुलिन है। क्वेश्चन है हमारा 75। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो ये आपकी अग्नाशय। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 76। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, अधिव्यक। क्या कहते हैं? अधिव्यक। क्वेश्चन है 77। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो याद रखना एडिनल। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 78। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो याद रखना एडिनिलिन। क्वेश्चन है हमारा 79। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, है। क्वेश्चन है आपका 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो याद रखना एस्ट्रोजन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 81। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि
आंसू स्रावित करती हैं, तो ये आपकी लैक्रिमल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ये आपकी थाइमस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपकी 83, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरास्रावी ग्रंथि फ्यूज ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो आपकी है ये परावट्टु। क्या है? परावट्टु। अगला क्वेश्चन है हमारा 84, क्वेश्चन है 84, क्या है? निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो ये आपका थायरोक्सिन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 85, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये होती है मस्तिष्क में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 86, प्रथम परखनली शिशु का नाम था? इनका नाम था लुइस। क्या था? लुइस। क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन है हमारा 88, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को कहते हैं हार्मोन। क्वेश्चन है 89, क्या है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन है 90, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 91, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो याद रखना पिता के, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से किसमें कुसंकिया के कारण मानव शरीर में मैक्सीडीमा होता है? तो ये आपकी आउटू ग्रंथि के कारण। क्वेश्चन है हमारा 93, रेशम पालन कहलाता है? रेशम पालन आपका सीरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन है 94, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना इसमें होगा आपका स्नायु तंत्र, डी ऑप्शन होगा 94 का। क्वेश्चन है 95, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन है 96, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो याद रखना जल। क्वेश्चन है 97, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी? क्वेश्चन है हमारा 98, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखना रीटर को। क्वेश्चन है हमारा 99, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो याद रखना अपघटक की, किसकी होती है? अपघटक की। क्वेश्चन है हमारा 600, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए उपयोग की जाती है? तो याद रखना कैंसर के, किसके? कैंसर के उपचार के लिए। चलिए तो ये थे आपके 600 क्वेश्चन तक, आगे हम लोग 601 से देखेंगे, ठीक है।